ये करोना मरज, इसका इलाज ही एहतियात है, यानी दूरी बनाए रखी जाए, आदमी अपने आप को दूसरे से बचाए रखे, यही इसका मेन इलाज है और इसी को पाबंदी करना चाहिए। और इसी के लिए मतलब हमारे हम सब के जो बड़े आलिम हैं वो भी यही कहते हैं कि मस्जिद में भी जाएं तो दो चार लोग जाएं, अपने घरों पर अकेले अकेले नमाज पढ़ लें, ताकि एहतियात के हिसाब से इस मरज से बचा जा सके। हम लोगों से सबसे यही अपील करना चाहते हैं कि अपने आप को इस मरज से बचाने के लिए जो भी सरकार एहतियात बता रही है, जो भी तदबीर बता रही है, उसी हिसाब से हम सबको उस पर अमल करना चाहिए। और यही करना चाहिए कि हम पब्लिक से दूरी बनाए रखें और अपने आप को इस मरज से बचाए रखें। बस यही मेरा पैगाम है। पैगाम है उन लोगों के लिए जो लोग सक्षम हैं और उनकी हैसियत ये है कि वो दूसरों की मदद कर सकते हैं, तो वो अपने आस पड़ोस देखे रहें कि कोई भी भूखा न सोने पाए और उसकी मदद करें। ये हमारा इंसानी फरीजा है। और इस मुसीबत की घड़ी में हम सब दूसरे का ख्याल रखें। जब दूसरे का ख्याल रखेंगे, जब ही सबका भला होगा। खुदा हाफिज़। धन्यवाद।